खेती एक बिजनेस है जिसमें यदि आप समय के अनुसार प्रयोग करते हैं तो फायदा ही फायदा है। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे कई किसान हैं जो अपने स्तर पर बदलाव लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज हम आपको पंजाब के एक ऐसे किसान की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी खेती के मॉडल से कई लोगों को प्रभावित किया है और कई किसान उनसे प्रभावित होकर प्राकृतिक खेती शुरू कर रहे हैं। यह प्रेरक कहानी पंजाब के फिरोजपुर जिला के सोहनगढ़ रत्तेवाला गाँव के कमलजीत सिंह हैयर की है। 45 वर्षीय कमलजीत के पास 20 एकड़ जमीन है और उस पर वह न सिर्फ सरसों, बाजरा, ब्लैक राइस, रेड राइस, अंगूर, आलू, टमाटर जैसे 50 से अधिक फसलों की खेती करते हैं बल्कि आम, आंवला, जामुन, बैर, नारंगी जैसे 50 फल भी उगा रहे हैं। कमलजीत पूरी तरह से प्राकृतिक खेती करते हैं और उन्होंने लोगों को इसकी सीख देने के लिए अपने ट्रेनिंग संस्थान की भी शुरुआत की है। पारंपरिक फसलों के अलावा वह तुलसी, लेमन ग्रास, स्टीविया जैसे 50 से अधिक औषधीय पौधों की खेती करते हैं। उनके पास पशुधन के तौर पर गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, बत्तख भी हैं। किसानी की दुनिया में कदम रखने से पहले कमलजीत वकालत करते थे। उन्होंने जब वकालत छोड़ी तो उस समय उनकी सैलरी 1.5 लाख रुपये प्रति महीने थी। जानिए खेती की यह पूरी कहानी सिर्फ द बेटर इंडिया पर।